तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड कैसे कीजिएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम इस वीडियो में दो स्मार्टफोन लेके आए हुए हैं और इन दोनों स्मार्टफोन में ना अलग अलग तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम फ़ोन में एप्लीकेशन को हाइड करते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है ना और उस फोन में एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में ना एप्लीकेशन को हाइड करना सीख जाइएगा। और दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, आप उस तरीका से आप अपने फ़ोन में ना बिना कोई ऐप डाउनलोड किए अपने उस फ़ोन के सेटिंग की मदद से ऐप को हाइड करना सीख जाइएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को बारीकी से देखना है। चलेगा बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो अभी आप वीडियो को देख रहे हैं ना, उस वीडियो को दबा के यहाँ से लाइक कर देना होगा। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है। ठीक है दोस्तों, आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है ना, आप उस फ़ोन के ना सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। जब सेटिंग ओपन कीजिएगा ना, तो आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उस सेटिंग को आप सर्च भी कर सकते हैं। देन आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ना एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम रहता है होम स्क्रीन। तो आपको इसी होम स्क्रीन वाले सेक्शन पे चले जाना होगा। जैसी का होम स्क्रीन वाले सेक्शन पे जाएगा ना, तो नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पे हाइड ऐप का एक आइकन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको हाइड ऐप वाले सेक्शन पे चले जाना होगा। ठीक है, अगर दोस्तों सेटिंग से ये सेटिंग नहीं मिल रहा है तो आपको बैक आना होगा, थ्री लाइन पे टच करना होगा। देन यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे ना हाइड ऐप वाले सेक्शन पे आप आ जाइएगा। देन उस पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके फ़ोन में जितना सारा ऐप है ना, उन सारा ऐप का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों, इनमें से किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, उस ऐप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लाइक यहाँ पे हम अमेज़न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जिस एप्लीकेशन को हाइड कीजिए वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा हिडन ऐप के सेक्शन में। देन यहाँ पे हम एक ही एप्लीकेशन को हाइड करना बता रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए, डन करेंगे। डन करना है दोस्तों, वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन के डिस्प्ले पर से गायब हो चुका है। देख सकते हैं वो अमेज़न एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। अब गाइस, उस एप्लीकेशन को हाइड किए हुए ऐप को यूज करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, जो एप्लीकेशन आप हाइड किए वो उस एप्लीकेशन को ना यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे सर्च कीजिएगा। देन उस एप्लीकेशन का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ओपन कीजिए वो एप्लीकेशन, इस तरह से ओपन कर पाइएगा। अब गाइस, हाइड किए हुए एप्लीकेशन को अनहाइड करना चाहते हैं तो आपको फिर से ना उसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड ऐप वाले सेक्शन पे चले जाना होगा और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अनटिक करना होगा और डन करना होगा। यानी इस तरह से आप इस फ़ोन के अंदर में हाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और फिर से उस एप्लीकेशन को अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग सैमसंग वालों के लिए, जिसके पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है वो व्यक्ति इस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर में। अब गाइस, अगर आपके पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन नहीं है, किसी अदर कंपनी का फ़ोन है, तो इस फ़ोन में भी आप सीख लीजिए कि कैसे हम यहाँ पे ऐप को हाइड करते हैं, यूज करते हैं, अनहाइड करते हैं। तो देखिए, अदर कंपनी का फ़ोन है ना, तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, फ़ोन के सेटिंग को ही ओपन करना होगा। सेटिंग ओपन करने का दोस्तों आपको होम स्क्रीन पर ही जाना होगा। होम स्क्रीन में जाने का दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉवर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा, हाइड ऐप आइकन। दोस्तों, ये सेटिंग नहीं मिला है ना आपके फ़ोन में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे ना सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस, आपको इस सर्च वाले ऑप्शन में लिखना है हाइड ऐप, तो वो सेटिंग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको वही सेटिंग को ओपन करना होगा इस तरह से। और देखिए, यहाँ पे ना आपको सबसे पहले ये जो हाइड ऐप आइकन है जिसको ऑन करना होगा। ऑन करते वक्त आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड दे देना है। ठीक है, अब देन आपको बैक आना है। अब दोस्तों, आप अपने फ़ोन के अंदर में ना हाइड ऐप का सेटिंग ऑन कर दिए हुए, लेकिन अभी भी आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड नहीं कर पाए हैं। तो अब आपको हाइड करना है ना, तो आपको स्लाइड करना होगा इस तरह से, एक उंगली से दो बार स्लाइड करना होगा इस तरह से। देखिए, यहाँ पे इस तरह से स्लाइड कीजिएगा ना, तो वो सेटिंग आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा हाइड ऐप का। देन यहाँ पे सेट पासवर्ड पूछ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपको एक पासवर्ड यहाँ पे ना सेट करना होगा, जिससे ना दोस्तों आप एप्लीकेशन को हाइड कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है,
पासवर्ड रिसेट कर लिए, डन कर देंगे। ठीक है, पासवर्ड रिसेट हो गया। अब दोस्तों हाइड ऐप है ना, जिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में जितना सारा ऐप है वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन को ना यहाँ पे हम हाइड करना चाहेंगे उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। लाइक यहाँ पे हम व्हाट्सअप को हाइड करते हैं, डन करेंगे। यहाँ पे व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लिए, देन एक एप्लीकेशन को हम हाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सही वाले लोगों पे टिक करेंगे, वो एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब गाइस इस फोन के अंदर में वो एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को हाइड किए हुए एप्लीकेशन को यूज करना है ना, तो आपको एक उंगली से दो बार इस तरह से स्लाइड करना होगा। ठीक है, तो आप जो पासवर्ड आप दिए थे वही पासवर्ड दीजिएगा, यहाँ पे यूज कर पाइएगा उस एप्लीकेशन को। दोस्तों आप हाइड किए हुए ऐप को अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये सेटिंग खुल के ओपन होगा, आप इस पे टच कर दीजिएगा, अनहाइड हो जाएगा। देन इस सही के लोगों पे टच कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो फोन से वो एप्लीकेशन अनहाइड हो चुका है। ठीक है, और फिर से हाइड करना है तो आपको फिर से इस तरह से दो बार सेलेक्ट करना होगा, जो पासवर्ड दीजिएगा वो पासवर्ड दीजिएगा। हाइड ऐप पे आप टच करके दो कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से इस वीडियो के अंदर ना दो मेथड से दो फोन के अंदर में आपने सीखा है कि हम किसी भी ऐप को हाइड कैसे करते हैं, हाइड किए हुए ऐप को यूज कैसे करते हैं और हाइड किए हुए ऐप को अनहाइड कैसे करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है।